साथी ले ली थी, वो भी लास्ट में कंप्लीट हो गई थी। लास्ट में हमने पैराग्राफ भी लिखा था कि अवर द कलर्स ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर 6 तक ही हमें स्टडी करना है। सो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम जो यूनिट नंबर 3 है उसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो यूनिट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा है? द फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, ये सिर्फ आपको रिमेम्बर हो जाए, इसलिए कुछ कुछ जो थिंग्स है वो हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको टेस्ट में या एग्जाम में लिखने में आपको अच्छे से याद आ जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। तो फेस्टिवल है वो चैप्टर में हमने अलग अलग फेस्टिवल्स है वो सबसे पहले हम देखें। तो एक्टिविटी नंबर 1 में प्री टास्क में हमने देखा था कि जो अलग अलग फेस्टिवल है उसके पिक्चर्स आपको दिए गए हैं और वो पिक्चर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी थी कि ये जो फेस्टिवल है कौन सा फेस्टिवल है, कहाँ पे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन से दिन पे मनाया जाता है और कौन से रिलीजियस में ये मनाया जाता है। ओके, तो उसमें हमने इंडिपेंडेंस डे था, जन्माष्टमी, होली, ईद था, दशहरा था, बैशाखी थी, दुर्गा पूजा, वो सभी फेस्टिवल्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी, है ना। अब उसके बाद हमने जो ये लेसन है फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर, उसमें आपने देखा कि दो फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स कैसे हैं? पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड यानी क्या होता है कि पर्सन विथ whom बॉन्ड बिल्ड्स अ फ्रेंडशिप बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स। लेटर्स को एक्सचेंज करके, एक दूसरे को लेटर्स लिख के उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रेंडशिप है वो क्या होती है, बिल्ड होती है। फ्रेंडशिप बिल्ड हुई हो, ऐसे जो फ्रेंड हो उसको हम पेन फ्रेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे दो फ्रेंड पेन फ्रेंड है, जो है भरत है और दूसरा है जमशेद। तो यहाँ पे जमशेद है वो कहाँ से है, वडोदरा से, बड़ोड़ा से है, और जो भरत है वो कहाँ पे रहता है, आसाम में रहता है। तो भरत जो जमशेद है वो अपने यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल होता है वो कौन से रिलीजियस का है, तो वो है वो पारसी है ना। तो पारसी है उसका मेन त्योहार, मेन फेस्टिवल कौन सा होता है, हिंदू, पारसी, मुस्लिम, जैन, वो सब अलग अलग क्रिश्चियंस, तो वो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उसके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। तो ये पारसी है, तो पारसी में कौन सा मेन फेस्टिवल होता है और न्यू ईयर कौन से दिन पे होता है, वो सभी जो टोटली जो इन्फॉर्मेशन है वो जमशेद है वो भरत को लिख के भेजता है। फिर वो जो भरत है वो भी अपने यहाँ पे, भरत है वो पंजाबी है ना, ना वो आसामीज है। तो आसाम में कौन सा त्योहार, कौन सा फेस्टिवल मोस्टली पॉपुलर है, मनाया जाता है, तो उसके बारे में वो भी इन्फॉर्मेशन हमें बताता है, लिख के भेजता है। तो ये दोनों के बीच में ये लेटर के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली है दोनों फेस्टिवल्स के बारे में, है ना। तो उस जो वो लेटर से वो फेस्टिवल है वो इन्फॉर्मेशन हमने लर्न कर ली है। तो आज हम यहाँ पे जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, तो पेज नंबर 24 टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 24 में पार्ट बी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके पहले हम जो न्यू वर्ड्स है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स कौन कौन से है, कीवर्ड्स जो आपकी बुक में ही है। पहला हमने देखा पेन फ्रेंड, तो पेन फ्रेंड मैंने बताया ना कि लेटर्स के थ्रू जो फ्रेंडशिप बिल्डअप होती है उसको हम बोलेंगे पेन फ्रेंड। तो पर्सन विथ whom
होली बुक होती है ना, होली मंथ होता है, तो सेपरेट यानी होली यानी पवित्र, क्या होगा पवित्र। फिर थर्ड नंबर पे है लस, तो लस का मीनिंग क्या होगा, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, लस यानी थिक एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है ब्लूम, अभी हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग पर्सन्स। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पार्सीज कम फ्रॉम, जाते हैं वैसे
शिफ्ट करते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि द पार्सीज वर्शिप फायर देयर टेम्पल इज कॉल्ड
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पारसी चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एन अर्ली एज। जो पारसी चिल्ड्रन होते हैं वो अर्ली एज यानी वो छोटे होते हैं तभी से ही वो क्या सीखते हैं, तो इसमें क्या आएगा कि जो फ्रॉम एन अर्ली एज द पारसी चिल्ड्रन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी कोई भी खाने की चीज हो या कोई भी थिंग हो वो एक दूसरे को साथ शेयर करना, उसका इम्पोर्टेंट क्या है वो बचपन से ही जो चिल्ड्रन है वो सीख लेते हैं, इसलिए जो बड़े होते हैं तब भी वो एक दूसरे को शेयर करते करके ही खाते हैं और कुछ भी थिंग से वो शेयर करके ही यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा फ्रॉम एन अर्ली एज द पारसी चिल्ड्रन लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर। Why is Bohag Bihu called Rangoli Bihu?
पीपल सी डांस प्ले गेम्स अभी हम थोड़े ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो देखेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आपको लेसन में से ही पूछे जाएंगे, ओके। तो राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो आपको एक क्वेश्चन दिया है उसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा आंसर है वो राइट है, कौन सा करेक्ट है, वो ऑप्शन ए बी सी और डी में से जो भी राइट है करेक्ट है वो आपको यहाँ पे बॉक्स पे लिखना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ द पारसीस इज कॉल्ड द, पारसीस के जो टेम्पल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए अग्यारी, बी मंदिर, सी मस्जिद, के डी गुरुद्वारा। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर है ए। क्या बोलेंगे हम पारसीस के टेम्पल को, अग्यारी बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ए बॉक्स में, आंसर डेफिनेटली लिखना ही है, ओके। और यहाँ पे भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन बॉक्स से आंसर का जो जगह है वहां वहां पे लिखना है, इसके बॉक्स में आपको भूल नहीं जाना है लिखना, ओके। फिर सेकंड है द पारसीस वर्शिप, पारसीस है वो क्या वर्शिप करते हैं, ए एयर, बी फायर, सी वॉटर, के डी अर्थ। तो राइट आंसर कौन सा है, बी फायर। तो यहाँ पे आएगा बी, ओके। थर्ड है द पारसीस केम फ्रॉम, पारसीस है वो कहाँ से आए हैं, हमने क्वेश्चन आंसर में भी हमने अभी किया ही है, कहाँ से आए हैं पारसीस, ए इस्तांबुल, बी इराक, सी ईरान, के डी इंडिया। तो राइट आंसर कौन सा, यहाँ पे आप मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे इराक क्यू है, इराक, और ईरान में एन है। राइट आंसर कौन सा है, ए ईरान है ना, तो सी आएगा ईरान, ओके। फोर नंबर पे द पारसीस विश ईच अदर, एक दूसरे को क्या विश करते हैं, अपने न्यू ईयर होता है तो हम बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे। तो ये लोग विश करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ए पते की मुबारक, बी जन्मदिवस मुबारक, सी ईद मुबारक, के डी साल मुबारक। तो क्या विश करते हैं, तो कौन सा आएगा, बी साल मुबारक। तो द पारसीस ईच विश ईच अदर साल मुबारक, तो राइट आंसर इज बी, ओके। तो लिख लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। अभी नेक्स्ट है फाइव नंबर पे, द पारसीज डेकोरेटेड देयर डिशेस विथ, जो पारसी है वो उनकी डिशेस कौन सी होती है, रवा फ्रॉम सूजी मिल्क एंड शुगर, उसमें से बनाते हैं ना रवा, वो किससे डेकोरेट करते हैं, तो फ्रूट से, बी आलमंड से, रेजिन से, सी फ्लावर से, डी वेजिटेबल्स से। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी आलमंड और रेजिन। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ, चिल्ड्रन है पारसीज के जो चिल्ड्रन होते हैं वो किसका इम्पोर्टेंस है वो लर्न करते हैं,
ओके अभी नेक्स्ट है व्हेन इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर, तो इसमें आएगा सी बोहाग। ए गांधी, बी बिहू, सी बोहाग के डिमांड, तो आंसर इज सी बोहाग। ओके नेक्स्ट है ब्लैंक इज द डिश प्रिपेयर्ड ऑन बिहू। ए कनी जूस, बी जीरा, सी डॉग टेडी हाउ, कौन सी डिश प्रिपेयर की जाती है, तो बी जीरा। ओके तो इसके